माँ मंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में साप्ताहिक श्रृंखलाबद्ध दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान नवदीप राजपूत से सपरिवार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार, नवग्रह पूजन उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। तो वहीं हवन यज्ञ उपरांत सिद्ध माँ मंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज ने हवन यज्ञ में पधारी हुई संगत को जीवन में संतों के महत्व को बताते हुए कहा कि आस्था की पूंजी गुरु के चरणों में समर्पित करने से ही जीवन का निर्माण होता है। जैसे बसंत प्रकृति में रंग भरता है और संत संस्कृति में रंग भरते हैं, संतों के चरणों में आने से पाप रूपी काली रात समाप्त हो जाती है और पुष्प का प्रभात हो जाता है, जिससे सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। जो पूर्ण समर्पित होता है वही भक्ति की नीति को निभा सकता है। संत तुम्हारे नगर में आए तो ये किसी उपहार से कम नहीं है, क्योंकि संत आते हैं तो बसंत अवश्य आता है। अंतर केवल इतना है कि बसंत आने से वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं और संत के आने से सोए हुए व्यक्ति जाग जाते हैं। नवजीत भारद्वाज ने मंदिर परिसर में आयोजित इस महीने के मासिक हवन यज्ञ का आयोजन 31 मार्च 2024 दिन रविवार को सपरिवार सम्मिलित होने का आह्वान किया। इस अवसर पर श्रीकंठ जज राकेश प्रभाकर, आर्यन अग्रवाल, समीर कपूर, एडवोकेट राजकुमार, अशोक कुमार, अमरेंद्र कुमार शर्मा, अवतार सैनी, नितिन अभिलक्षे चुग, उदय, केविन शर्मा, प्रदीप, मनमोहन, नवदीप, अजीत कुमार, संजय, संजीव शर्मा, दिशांत शर्मा, बाबा खन्ना, राकेश राणा, प्रताप सिंह, शिव कुमार, डॉक्टर मुकेश गुप्ता, निर्मल शर्मा, सरोज बाला, मंजू बाला, रिंकू सैनी, हेमंत, मनप्रीत कौर, रमेश, राजेश महाजन, मनीष तिवारी, मनवीर सिंह, मनीष मेहरा, चेतन मुन्ना, लवली, लकी, विकी नाहर, केतन शर्मा, ईशु वर्मा, विजय, हंसराज, सुभाष डोगरा, गौरव शर्मा, ठाकुर बलदेव सिंह, सौरभ अरोड़ा, जगदीश वर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। किसे हो? उसी कुछ भी गलत कह सकते हैं, पर मां का शब्द ही इदां दा है, मां सारे दी सांझी हुंदी है। सो उहदे सिद्ध स्थान ते पहुंच के इदां दे मन च भाग नहीं रखणे, पर कोशिश यही करदी है कि सारिआं दा भला मंगिआ जा सके। जिहड़ा मतलब की बताई दा कि अज दा जिहड़ा भाव भी अपना मन दा यही सी कि संत ते बसंत जदों आ जाणे, जे तां बसंत आ गई रुत दे विच ते फिर नवे नवे बूटियां दीआं गुमड़ियां भी निकलणगीआं और हर पासे प्रकाश ही प्रकाश होवेगा। ऐदे जदों संत किसे समाज च आ जावे ते समझो समाज दा उत्थान नेड़े नेड़े आ गया है और भगवत जी दी कृपा होनी है। जय मां बगलामुखी जी। मां पीतांबरा बगला भगवती बगलामुखी जी का नाम कौन नहीं जानता। अज के समय के कलिकाल की इस वेला दे विच कोई भी जिहड़े शत्रुओं तो परेशान है, अपन बीमारियों तो और अपन मुश्किलों तो परेशान है, वो जगदंबा भगवती बगलामुखी जी के चरणों आते हैं और आके हर वीरवार को सवेरे 6:30 तो 7:30 जिहड़ा निःशुल्क हवन यज्ञ हुंदा उस जगदंबा के निमित्त जिहड़ा हवन यज्ञ आहुतियां डालते हैं और अपन मन दीआं आसां मुरादां पूरियां करके जाते हैं। मेरी करवत प्रार्थना है सारे सेवादारों वालों कि हर वीरवार को सवेरे 6:30 तो 7:30 तक पहुँचो और महामई का आशीर्वाद ग्रहण करो। इस दे नाल नाल एक होर संदेश देना चाहते हैं कि हर महीने के आखिरी रविवार को उस दिन सवेरे 8:00 तो लैके 12:00 तक हवन यज्ञ होएगा। सारे माँ भगत हुम हुमा के उस हवन यज्ञ पहुँचन और महामई का आशीर्वाद लैन। जय माँ बगलामुखी जी। जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी जी, अज माँ बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौंक के स्थित है, उत्थे माँ के भव्य मंदिर के जिहड़ा हवन यज्ञ होंदे हैगे हर वीरवार, उस कड़ी के जिहड़ा अज वीरवार का हवन यज्ञ किया गया, जिथे भगतों ने सवेर तो ही आके महामई के दर्शन दीदार किए और हवन यज्ञ के आहुतियां पाई। मैं भगतों को बेनती करना चाहना कि इतने वो चीज़ा मिलदियाँ जिहड़ियां तुहाड़ी किस्मत नहीं है, जो किस्मत हैगा वह तो मिलना ही मिलना है, पर जो अपनी किस्मत नहीं हैगा जो वो लैना है तो माँ के इस दरबार से आके आप प्राप्त कर सकते हैं। और इतने मैं भी गल कहनी चाहना कि 31 तरीक जोड़ा व्डा हवन हैगा 31 मार्च में रविवार को, तो सारे भगत जोड़े है वो महामई का आशीर्वाद प्राप्त कर और हवन जगह आगे आहुतियां पा। उन्होंने सवेरे नहीं ब्रेकफास्ट का प्रबंध है और दोपहर की रोटी का भी प्रबंध है।